आपदाम अपहर्तारम दातारम सर्वसंपदाम लोकाभिरामम श्री रामम भूयो भूयो नमाम्य हम। प्यारे मित्रों, जय श्री राम, जय माता दी। मित्रों, मैं आज आपसे चर्चा करता हूँ कि कांवड़िया जल लेकर के अनेका अनेक पवित्र तीर्थों से जल लेकर के आ रहे हैं और यह जल वह कब समर्पित करेंगे, इसी विषय पे करूंगा चर्चा। कब चढ़ेगा कांवड़ का जल? 15 जुलाई 2023 दिन शनिवार को कांवड़िये भगवान भोलेनाथ को, जो पैदल चल करके आ रहे हैं, वो अपने लाए हुए जल को भगवान शिव को समर्पित करेंगे। सावन का महीना भगवान भोलेनाथ को अत्यधिक प्रिय होता है। इस महीने में शिव भक्त अत्यधिक फल की कामना के कारण फल को प्राप्त करने के लिए नंगे पैर दौड़ते हुए भागते हुए गंगा के जल को ला करके भोलेनाथ को चढ़ाते हैं। श्रावण कृष्ण पक्ष की जो चतुर्दशी तिथि होती है, उस तिथि में महाशिवरात्रि कहा जाता है। शिवरात्रि प्रत्येक महीने आती है, जो चतुर्दशी तिथि होती है उसमें जल चढ़ाना चाहिए, परंतु श्रावण के महीने में इसका विधान और अत्यधिक बढ़ जाता है। तो इस बात को लेकर के लोगों में संशय बना हुआ है कि जल हम कब चढ़ाएं, 14 को चढ़ाएं, 15 को चढ़ाएं या 16 को चढ़ाएं। तो आज हम इसी विषय पे आपसे चर्चा करें। सावन का महीना भगवान भक्ति को प्राप्त करने के लिए, शिव भक्ति को प्राप्त करने के लिए खास होता है और इस महीने में शिव को जल चढ़ाया जाता है। माना जाता है कि चतुर्दशी के दिन भगवान शिव को जल चढ़ाने से व्यक्ति को मन चाहे फलों की प्राप्ति होती है। तो 15 जुलाई 2023 दिन शनिवार को चतुर्दशी पड़ेगी और इसी चतुर्दशी तिथि को मासिक शिवरात्रि भी कहा जाता है। तो शिवरात्रि के दिन कांवड़िये जल लेकर के आकर के भगवान भोलेनाथ को समर्पित करते हैं। शिवरात्रि के मुहूर्त की अगर हम बात करते हैं तो श्रावण मास की शिवरात्रि 15 जुलाई 2023 को शाम को 8:32 से प्रारंभ हो जाएगी और 16 जुलाई 2023 को रात्रि में 10:08 पर समाप्त होगी। तो भगवान भोलेनाथ को आप जल शनिवार को चढ़ाइएगा, शाम के समय चढ़ाइएगा। देवादिदेव भगवान भोलेनाथ आपके ऊपर अपनी मंगल कृपा को बना करके रखें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ हर हर महादेव। पुनः मिलूंगा एक नए वीडियो में। जय माता दी, जय माता।